तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो छोटा सा इंट्रो देख के आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस टीवी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो जी हाँ, सैमसंग का जो 2021 का लाइनअप का जो पहला टीवी है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो जो Q60A सीरीज़ का टीवी है उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और उसके डिटेल के बारे में बात करेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर का जो टीवी है Q60T का, और उन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है और क्या क्या चेंजेस इस साल हुआ है वो सभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को भी शुरू करते हैं। ये जो टीवी है वो सैमसंग का Q60A सीरीज़ का टीवी है। तो ये एक्चुअली सैमसंग का जो क्यूलेट टीवीज़ हैं उसके बेस मॉडल में आता है। तो सबसे क्यूलेट टीवी का सबसे लोएस्ट रेंज में ये होगा। तो अभी इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्यूलेट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे VA पैनल मिल रहा है और इसमें आपको एज LED का जो कॉन्सेप्ट है, HEDGE, ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। साथ ही साथ इसका जो रिफ्रेश रेट है वो आपको मिल रहा है 60Hz का, और उसके साथ साथ आपको 10-bit पैनल विथ FRC आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डिस्प्ले में यहाँ पे सैमसंग ने क्वांटम प्रो लाइट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। ये एक पिक्चर प्रोसेसिंग इंजन है। तो इस टीवी का जो PQI इंडेक्स है वो 3100 है। ये एक्चुअली सैमसंग ये मेंटेन करके चलता है, पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स जो कहते हैं उसे वो मेंटेन करके चलता है। और साइजेस के बारे में बात करें तो ये टीवी 43 इंच से लेके एकदम 75 इंच तक मिलता है आपको, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच। इस टीवी का पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाएगा 480 निट्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको देखने को मिलेगा 4500:1 का, और उसके साथ साथ आपको HDR10+ और HLG का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। टीवी के प्रोसेसर और रैम एंड स्टोरेज के बारे में यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ा है। तो आप में से अगर किसी को मालूम हो कि इस टीवी में आपको क्या क्या वो प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं, इससे बाकियों का भी हेल्प होगा। तो और इसके टीवी के ऑडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 20 वाट का ऑडियो मिल रहा है। ये सुनने में थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन यहाँ पे आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का ऑडियो सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ऑडियो में दो ज़बरदस्त चीज़ कंपनी ने दिया है, वो है OTS, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड। ये एक्चुअली क्या होता है, अगर मान लीजिए एक सीन में दूर से कहीं से आवाज़ आ रहा है और पास में कहीं से ज़बरदस्त साउंड निकल रहा है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये साउंड फ्लैट निकल रहा है। तो एक्चुअली साउंड जहाँ से आना चाहिए दूर से वो इफ़ेक्ट वहीं से आएगा और पास वाला जो साउंड होगा वो पास से सुनाई देगा आपको। मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ जाएगा और साउंड करेगा ये टीवी उसी हिसाब से आपका जो सराउंडिंग साउंड है वो मेंटेन करेगा। मतलब एक होम थिएटर लाइक इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्यू सिम्फनी का जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे दिया गया है। ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। एक्चुअली क्या होता है, आप अगर किसी टीवी में होम थिएटर या कोई साउंड बार अटैच करते हैं तो उस टीवी का इंटरनल स्पीकर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप साउंड बार अटैच करेंगे और क्यू सिम्फनी जो ऑप्शन है वो अगर ऑन रखेंगे तो आपका साउंड बार भी ऑन रहेगा और टीवी का इंटरनल स्पीकर भी ऑन रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपको एक 3D साउंड का इफेक्ट मिलेगा। मतलब जो एक डायमेंशनल साउंड होता है वो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्यू सिम्फनी का जो ऑप्शन वो है वो यहाँ पे आपको ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर ऑफ कर देंगे तो टीवी का जो इंटरनल स्पीकर है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको टाइजन का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ मल्टी व्यू नाम का एक फीचर ऑलरेडी दिया हुआ है टीवी में। मल्टी व्यू मतलब मान लीजिए टीवी में आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, उसके साथ आप अलग से टीवी में ही एक विंडो ओपन कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए सिंक करके, और उसके ज़रिए आप फ़ोन का जो स्क्रीन है वो वहाँ पे सिंक करके अलग से देख सकते हैं। मतलब बाएं तरफ मान लीजिए आप कोई दूसरा चीज़ देख रहे हैं, स्पोर्ट्स या दूसरा कुछ, और दाएं तरफ आप टीवी जो फ़ोन का स्क्रीन है वो ऑन करके साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। तो उसे कहते हैं मल्टी व्यू, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मल्टी वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा, मतलब गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा का सपोर्ट दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस टीवी में पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिसमें से एक पोर्ट आपको eARC फीचर के साथ मिलेगा और उसके साथ आपको 2 USB का पोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे जो ब्लूटूथ दिया गया है वो ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट दिया गया है। तो स्पेशली गेमर्स के लिए इस टीवी में एक बढ़िया फीचर दिया गया है, वो है ऑटो लो लेटेंसी मोड। इसके ज़रिए क्या होगा, आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी लेटेंसी आप बहुत ही बढ़िया गेम खेल पाएंगे इस टीवी के ज़रिए। और उसके साथ साथ दिया गया है वाइड एंगल व्यू का एक ऑप्शन,
जो स्पेशली गेमर्स के लिए होता है, मतलब कुछ कुछ गेम्स ऐसा हो सकता है कि जो 16:9 का नॉर्मल रेशियो होता है टीवी का, उससे ज़्यादा वाइड होना चाहिए तो भी वो गेम अच्छा लगेगा और खेलने में मज़ा आएगा। आपको ज़्यादा फ्रेम चाहिए तो वहाँ पे क्या होगा, ये टीवी एकदम 16:9 से लेकर 30:9 तक जा सकता, 32:9 तक जा सकता है, मतलब स्क्रीन एकदम छोटा हो जाएगा और टोटल बहुत ही वाइड एंगल के साथ वहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। तो ये स्पेशली बहुत ही बढ़िया एक फीचर है जो स्पेशली गेमर्स के लिए है। इस साल का जो टीवी है वो है Q60A और लास्ट ईयर जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है Q60T। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो पहले ही जो चीज़ सामने नज़र आता है वो है इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो इस टीवी में कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, 4500:1 का, और लास्ट ईयर में जो टीवी था वो लगभग 7000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो था उसमें। तो हालांकि अगर आप अलग से देखेंगे तो उतना आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर साइड बाय साइड आपको टीवी दोनों टीवी रख के अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कलर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। और इस टीवी में ज़बरदस्त कलर का रिप्रोडक्शन मिलता है, यहाँ पे लगभग 1 बिलियन कलर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा जो लास्ट ईयर के टीवी में उतना नहीं था। और इस टीवी में पिक्चर प्रोसेसिंग इंजन जो यूज़ किया गया है वो भी ज़बरदस्त यूज़ किया गया है। और उसके बाद जो आता है मेन पॉइंट वो है इस टीवी का लुक्स। तो लुक्स के मामले में ये टीवी बहुत ही स्लिम है, लास्ट ईयर का 6 सेंटीमीटर का आता था, लास्ट ईयर वाला टीवी 6 सेंटीमीटर का था और इस साल का टीवी 4 सेंटीमीटर कर दिया गया है, बहुत ही पतला कर दिया गया है। मतलब अगर आप टीवी को वॉल माउंट करेंगे तो वॉल में ये एकदम चिपक के रहेगा और देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अगर आप वॉल माउंट नहीं करते भी हैं तो यहाँ पे जो टेबल टॉप स्टैंड दिया गया है वो भी वेजा माउंट की तरह एक हाइट एडजस्टेबल स्टैंड दिया गया है, मतलब अपने सिटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग टीवी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक बढ़िया फीचर है। और एक बढ़िया फीचर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है OTS ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और क्यू सिम्फनी, ये जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। तो ये जो दो फीचर्स हैं वो लास्ट ईयर के टीवी में नहीं था, इस साल के टीवी में ये दिया गया है, नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये कुछ बढ़िया फीचर्स जो इस साल सैमसंग ने अपने टीवीज में इंट्रोड्यूस किया है, तो बहुत ही बढ़िया सामने निकल के आया है। तो इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये सभी टीवीज़ का प्राइस आपको कुछ ही दिन में पता चल जाएगा और ये टीवी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर में मिलने भी लगेगा जब ऑनलाइन में ये अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप आके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके चेक करना। और उसके साथ साथ मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ मेरे रिकमेंड किया हुआ जो टीवीज़ हैं उसका भी लिंक आपको वहाँ पे परचेस लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट परचेस लिंक, तो जाके वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साइड में दिया हुआ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई नए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।